रुख करते हैं इंदौर का, जहां पुलिस लगातार धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। इसी के तहत लाखों की धोखाधड़ी करने वाले युवक को पुलिस ने उसे गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया। शुक्रवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 9 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए इसने मेरे से लिया है, और इनका क्या सुनियोजित तरीके से ये गैंग चलाते हैं। इसके अंदर ये अकेला नहीं है, इसके साथ में हितेश रघुवंशी के साथ प्रतीक मिश्रा है, घनश्याम पंजवानी है, इस तरह के 3-4 जने मिलके इसी तरह से लोगों से पैसे लगवाते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं ये लोग। 1.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ इसने खुद ही के नाम पर लिया था, हितेश रघुवंशी के खुद ही के नहीं। इन्होंने मतलब मेरे से ये कहा था कि ये 1.5 करोड़ रुपया जो है हमको एक कोई चाइनीज़ प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें लगाना है, तो इसने मेरे से जो 1.5 करोड़ रुपया खुद के नाम पे लिया था और उस प्रोजेक्ट में लगाने का बोल के लिया था, और मुझे बताया था कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट होगा आपको। फरवरी 2018 से ये पैसे ले रखे हैं। ये टीए साहब ने कहा है कि अब अच्छे से इसकी मतलब इंक्वायरी करके और कोशिश करते हैं मेरा मैटर निपटाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के निवासी राजनांदगांव के प्रदीप घटोड़े ने कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर सिग्वायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो डायरेक्टर हैं हितेश रघुवंशी और उनके साथ रविंद्र पाल भाटिया वगैरह ने इनसे बोला कि ये अपनी कंपनी का आपको डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करेंगे छत्तीसगढ़ में, और इसके नाते इन्होंने 25 लाख रुपए इनसे प्राप्त कर लिए, जबकि इनके पास जो मैचबॉक्स कंपनी से इनका एग्रीमेंट हुआ था उसमें इनको डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने का कोई पावर नहीं था। यह जानते हुए कि इनको अधिकार नहीं है और इन्होंने 25 लाख रुपये प्राप्त भी किए और उनको अपने उपयोग में खर्च भी कर लिया, जिस पर से मामला 420 406 34 आईपीसी का कायम किया गया था। आरोपी हितेश रघुवंशी जो कि डायरेक्टर था, पहले मैंने उद्देश्य हमारे इनको उठाना था तो इनसे पूछताछ, ये लुकते छिपते भागते रहे, लगातार पुलिस प्रयास करती रही। कल मुखर से सूचना मिली तेजाजी नगर क्षेत्र में कहीं पर ये इनकी लोकेशन इसकी है, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने ये आदेश पारित किया कि एक एग्रीमेंट हुआ था इनके और फरियादी के बीच में, वो पुलिस को सीज करना है, उसकी रिकवरी के लिए जज साहब ने पुलिस रिमांड पर दिया है। नौ तारीख तक का दिया, 3 दिन। पुलिस ने 11 तारीख तक का मांगा था लेकिन जज साहब ने 9 तारीख तक का दिया। न्यायालय ने और कुछ डायरेक्शन और कुछ इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं दिए, उन्होंने 9 तारीख तक का पुलिस रिमांड दिया, रिकवरी करके अपने तारीख को पुनः पेश करें, पर किसी भी पक्ष का कोई रखा नहीं गया। बुलेटिन में